आ जाओ। सो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लिया था, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा चल रहा था, राइट? तो सबने ठीक से ध्यान देना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनीबॉडी, ऑल सेट, क्लियर? अब आपको अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल दूँ तो आप मुझे बता सकते हो कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है? चलो स्टार्ट करते। ओके, आप मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीनरी परचेस किया, सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी। सब लोग ध्यान से सुनना, आप मुझे अभी बताओगे कि अब जो मैं खर्चा करने वाला हूँ उस मशीन पे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ठीक है, आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था ना, ये ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द सेट, रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विसिंग, ये सब क्या थे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द सेट हम लोग उस असेट को सवाल पूछेंगे, हे असेट बता, क्या इस खर्चे की वजह से तेरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, इन पांचों में से कोई एक भी चीज अगर बढ़ी तो कैपिटल, अदरवाइज रेवेन्यू। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस की, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। कैसी है? सेमी ऑटोमेटिक मशीन, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड एंड रिपेयर्ड देन इंस्टॉल्ड। बोलो, अब ये जो रिपेयरिंग का खर्चा किया मैंने उस मशीन पे, ये रिपेयरिंग का खर्चा कैपिटल है कि रेवेन्यू है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, 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 कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने सुना ही नहीं मेरा सवाल ठीक से, वापस बोलूं, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड एंड रिपेयर्ड देन इंस्टॉल्ड, देन इंस्टॉल्ड, मतलब क्या हुआ यहां पे? मशीनरी परचेज किया, रिपेयर किया, देन इंस्टॉल्ड, तो रेडी फॉर यूज यहां से हुआ ना, तो रेडी फॉर यूज के पहले के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस आग बन करके क्या थे रे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लिखवा के दिया था क्या? शब्दों की तरफ ध्यान दो, कॉन्सेप्ट्स की तरफ ध्यान दो। हर बार रिपेयर रेवेन्यू नहीं रहेगा, ऊपर में जो रिपेयर देखा था वो रेडी फॉर यूज के बाद का था, और अभी जो मैंने बोला वो रिपेयर क्या है? रेडी फॉर यूज के पहले का। और क्यों रिपेयर करना पड़ रहा है नई मशीन को? नई कहाँ है, सेकेंड हैंड है ना, अभी तो बोला सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस एंड रिपेयर देन इंस्टॉल्ड, यानी रिपेयरिंग का खर्चा रेडी फॉर यूज के पहले का और खरीदने के बाद का है। सो खरीदने के बाद और रेडी फॉर यूज के पहले के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस आग बन करके क्या नेसेसरी था? हाँ, रिपेयर ही नहीं करोगे तो चालू कैसे होगी? नेसेसरी है ना, मतलब ये क्या हुआ? कैपिटल। और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट यहां पे रिपेयर किया तो ये क्या हो गया? रेवेन्यू। कुछ बात समझ में आ रही है? कभी कभी रिपेयर कैपिटल, कभी कभी रिपेयर रेवेन्यू। क्लियर? पक्की बात? डन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार मुझे पहले पूछो। एनीबॉडी, चलो आगे, पक्का क्लियर रहेगा आप सभी को? ओके, उसके बाद का वो कॉन्सेप्ट बताओ बेटा। कैपिटल रेवेन्यू के बारे में हमने जान लिया था, देन 15, वेरी गुड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक सेकेंड ना, ये मशीनरी परचेज किया, रिपेयर किया, देन इंस्टॉल किया, परचेज एंड रिपेयर्ड देन इंस्टॉल्ड, तो ये रिपेयरिंग रेडी फॉर यूज के पहले का है, राइट? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको एक ग्रीन कलर के पेन से जो मैंने लिखा वो दिखा नहीं होगा ना, तो रेडी फॉर यूज के बाद का रिपेयर रेवेन्यू, रेडी फॉर यूज के पहले का रिपेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? ओके, डन। वो क्या होता है, मैं ग्रीन कलर के पेन से लिखता हूँ ना तो वो यहाँ पे हाइड हो जाता है, ग्रीन ग्रीन, तो मुझे फिर से ब्लू से लिखना। आ जाओ नेक्स्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। बोलो बेटा, ये ना अगला टर्म। चलो, डेफर्ड रेवेन्यू के बारे में 11th 12th में आपने सुना है इसके पहले? बताओ बच्चों, डेफर्ड रेवेन्यू एनीबॉडी कभी सुना है इसके बारे में 11th 12th में? नहीं सुना है? ओके, ध्यान से सुनना। चलो देखो, पेन वेन सब नीचे रख दो, अभी ध्यान से सुनो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली ये रेवेन्यू एक्सपेंस है,
ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमने डेफर कर दिया, डेफर करना पोस्टपोन करना, डेफर धक्का मारना, पोस्टपोन करना, आगे ढकेलना। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ बच्चों कल टेस्ट दे दो, बच्चे आगे ढकेलते हैं, पोस्टपोन करते हैं, नहीं सर कल नहीं परसों। मैं बच्चों को बोलता हूँ बच्चों आज पढ़ाई कर लो, नहीं सर आज नहीं बाद में करेंगे, डेफर कर रहे हैं बार बार। डेफर यानी आगे ढकेलना, पोस्टपोन करना। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस, ध्यान से सुनना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस जिसका बेनिफिट मैंने क्या किया, डेफर किया, जिसका बेनिफिट मैंने पोस्टपोन किया। आप सभी को मालूम है ना खर्चों से बेनिफिट मिलता है, खर्चों से बेनिफिट इमीडिएट मिलता है, असेट है तो बेनिफिट फ्यूचर में भी, एक्सपेंस है बेनिफिट इमीडिएट, लॉस है नो बेनिफिट। लॉस से कभी बेनिफिट मिलेगा? नो, ना आज ना कल। एक्सपेंस है इमीडिएट बेनिफिट मिल जाएगा, यस, और एसेट है तो फ्यूचर में भी मिलेगा। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस है, फिर से, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट मैंने डेफर किया, पोस्टपोन किया, आगे ढकेला। सर एग्जाम्पल दो इसका, एक कुछ एग्जाम्पल लाइफ टाइम याद रखना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, क्या है बेटा है? पानी का टब, इसमें कटरीना आ रही है और ये यहाँ पे वीडियो शूटिंग हो रही है, ये वीडियो कैमरे से, और ये लक्स सोप का ऐड कर, ये सर ना आई यहाँ के जाते जाते 10 करोड़ रुपए लेके चले गए। कटरीना लक्स सोप का ऐड कर रही, 10 करोड़ रुपए लेगी कि नहीं? तो अब ये जो 10 करोड़ हमने कटरीना को दिए, ये कौन सा खर्चा है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। और बच्चा बच्चा जानता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है रेवेन्यू एक्सपेंस है, सही है गलत है? एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, पीएनएल के डेबिट में लिखते होंगे अगर आपने पीएनएल अकाउंट इसके पहले पढ़ा होगा। जिस बच्चे ने पीएनएल अकाउंट नहीं पढ़ा डोंट वरी आगे बताऊंगा, बट ये खर्चा है एडवर्टीजमेंट, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्यों करते हैं एडवर्टीजमेंट? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए, यस और नो? रेवेन्यू एक्सपेंस है। बट मुझे एक बात बताओ, अब ये जो इतना बड़ा अमाउंट इसको दिया कटरीना को 10 करोड़ रुपए, इसका जो बेनिफिट है ये एडवर्टीजमेंट का 10 करोड़ का, ये बेनिफिट इसका कब तक मुझे मिलेगा? सिर्फ 1 साल मिलेगा या सालों साल तक मिलते रहेगा? सालों साल तक। ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल से भी ज्यादा समय तक मिल रहा है, तो सर इसको रेवेन्यू क्यों बोलते हो? असेट बोल दो। अरे बाबा पर इसका बेसिक नेचर तो रेवेन्यू एक्सपेंस ही है ना, वो तो आपने इतना सारा अमाउंट दे दिया, अब आप उसकी ऐड बार बार चलाते रहोगे, यस और नो? तो इसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? जब तक कटरीना लोगों के दिलो दिमाग में रहेगी। कब तक? फॉर एग्जाम्पल 10 साल तक। तो ये 10 करोड़ का बेनिफिट फॉर एग्जाम्पल कितने साल तक मिलेगा? आपको समझाने के लिए मैंने कितना बोला, 10 साल। 10 साल तक तो जवान रहेगी ना कटरीना भी, यस और नो? फिर बुढ़ी होने के बाद फिर भले ही लोग उसकी ऐड भी नहीं देखेंगे, तब बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा, बट अंदाज 10 साल तक मिलेगा। तो तुम बताओ अब ये 10 करोड़ 1 साल का खर्चा है कि 10 साल का? 10 साल का, मैचिंग मैचिंग, यस और नो? कॉमन सेंस हम लोग को अप्लाई करना होगा यहाँ पे। 10 करोड़ का बेनिफिट 10 साल तक, तो बताओ 1 साल खत्म हो गया, यहाँ पे 10 करोड़ का टोटल खर्चा था, 10 करोड़ का 10 साल तक बेनिफिट, 1 साल हुआ तो कितने का खर्चा हम लोग दिखाएंगे? 1 करोड़ का। और बचा हुआ 9 करोड़ क्या करेंगे? डेफर। फिर अगले साल फिर 1 करोड़ खर्चा दिखाएंगे और बचा हुआ क्या करेंगे? डेफर्ड। फिर अगले साल बचा हुआ 8 करोड़ डेफर्ड। फिर अगले साल 1 करोड़ का खर्चा दिखाएंगे, बचा हुआ 6 करोड़ डेफर। फिर अगले साल 1 करोड़ का खर्चा दिखाएंगे, बचा हुआ 5 करोड़ डेफर। फिर अगले साल 1 करोड़ का खर्चा दिखाएंगे, 4 3 2 1 खत्म। पूरा का पूरा 10 करोड़ में इसी साल के खर्चे में डाल सकता हूँ क्या? नो, क्योंकि ये 10 करोड़ का जो बेनिफिट है वो मुझे 10 साल तक मिल रहा है। तो पूरा का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंस में इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालूंगा तो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कमर टूट जाएगी ना, कैसे बताओ मुझे? एक साथ कितने साल के खर्चों का बर्डन आ गया? इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस साल के खर्चे आने चाहिए,
कि फ्यूचर क्या आने चाहिए, इस साल के ना रेवेन्यू मैचिंग, इस पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट इसी पीरियड के खर्चे डालो, यस और नो। तो उस हिसाब से अगर मैचिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पे 10 करोड़ का बेनिफिट 10 साल तक मिलने वाला है। तो इस साल 1 करोड़ का खर्चा दिखाओ, बचा हुआ 9 करोड़ इस बार खर्चा मत दिखाओ। बचा हुआ 9 करोड़ कब खर्चा दिखाना? अगले साल। फिर बचा हुआ 8 करोड़ अगले साल। समझ में आया क्या? तो हर साल 1 करोड़ दिखाएंगे। टोटल खर्चा 10 करोड़ था, इस बार अगर मैं 10 करोड़ में से 1 करोड़ खर्चे में डाल देता हूं तो अगले साल ट्रांसफर करने के लिए कितने बचे? 9। 9 करोड़ को क्या किया? डेफर। फिर अगले साल 1 करोड़ का खर्चा दिखा दूंगा तो बचेंगे कितने? 8 करोड़ डेफर। कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? यस और नो? तो इसीलिए बेस्ट एग्जाम्पल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। सिर्फ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, हेवी एडवर्टीजमेंट, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। देन अब जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे ना, तब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम का एक स्टेटमेंट बना, तो वहाँ पे मैं आपको एक्चुअल में बताऊँगा अगले साल कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है, बरोबर है? तो अभी बस इतना लिखो कि ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हम लोग फ्यूचर में डेफर कर रहे हैं। नो, एक बच्ची ने बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा है, सर इसको प्रीपेड एक्सपेंस बोल दो ना सर, इससे अच्छा। ध्यान से सुनना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, दोनों में फर्क क्या है? एग्जाम्पल, रेंट पेड इन एडवांस, मैंने जनवरी मंथ में ही फरवरी मार्च का भी रेंट दे दिया, राइट? वो प्रीपेड का एग्जाम्पल है ना। मेरा 5,000 रुपये पर मंथ का भाड़ा था, रेंट था, मैंने जनवरी मंथ में जनवरी का रेंट तो दिया ही दिया, साथों साथ फरवरी और मार्च का भी दे दिया। यानी मैंने कितना रेंट दिया? जैन फेब मार्च 3 महीने का 15,000। इस 15,000 में प्रीपेड कितना है? फेब मार्च यानी 10,000 का। अब प्रीपेड एक्सपेंस का बेनिफिट बताओ मुझे, उसका बेनिफिट कितने पीरियड तक मिलने वाला है? 2 मंथ्स ओनली। मैंने एग्जांपल क्या लिया? जैन में मैंने जैन का रेंट तो दिया ही दिया, फेब का भी दे दिया और मार्च का भी दे दिया। टोटल कितना पे किया? 15,000। इस 15,000 में 10,000 क्या है? प्रीपेड। 5,000 क्या है? एक्सपेंस, जस्ट एक्सपेंस करंट पीरियड का। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता है बेनिफिट, एग्जैक्ट पता है, एग्जैक्ट आपको 2 महीने मिलने वाले, ना 2 महीने से 1 सेकेंड कम ना 1 सेकेंड ज़्यादा। कोई मुझे हेवी एडवर्टीजमेंट बता सकता है क्या बेनिफिट एग्जैक्ट कितना मिलेगा? यहाँ पे हम लोग अंदाज लगाते हैं कि शायद 10 साल तक बेनिफिट मिलेगा, शायद 5 साल तक। बीच में अगर पता चला कटरीना का टेररिस्ट के साथ कनेक्शन निकला, एक दिन भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो ऐड चले तो उल्टा लोग आपका साबुन खरीदना बंद कर देंगे, यस और नो? तो डेफर्ड रेवेन्यू में कोई बोल सकता है मुझे भगवान के अलावा कि एग्जैक्ट बेनिफिट कितने समय तक मिलेगा? बट प्रीपेड में एग्जैक्ट बेनिफिट कितने समय तक ये मिलेगा ये मालूम है। तो मुझे बेनिफिट का पीरियड भी पता है यहाँ पे, यहाँ पे मुझे पीरियड भी पता है और कितने अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा ये भी पता है। अमाउंट बताओ कितने की मिलेगी? 10,000 का बेनिफिट मिलेगा, 10,000 का। पीरियड कितना है? 2 महीना। मुझे दोनों भी चीजें एग्जैक्ट पता है, अमाउंट भी और समय भी। यहाँ पे कोई बता सकता है क्या अमाउंट और पीरियड? बताओ मुझे एडवर्टीजमेंट की वजह से कितने का सेल हुआ आपका, कोई बोल सकता है? तो 10 करोड़ की एडवर्टीजमेंट की वजह से कितने के साबुन बिके आपके, कोई बोल सकता है क्या? भगवान के अलावा कोई नहीं बोल सकता है। कोई बोल सकता है कि ये सेल की वजह से इतने, ये एडवर्टीजमेंट की वजह से इतना सेल मिला, कोई ऐसा बोल सकता है? कोई भी नहीं। अगर किसी को मालूम रहता कि सेल की असली वजह क्या है तो हर कोई वैसे ही नहीं करता एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट की वजह से कितना सेल हुआ एग्जैक्ट अमाउंट भी कोई बता नहीं सकता है, और उस एडवर्टीजमेंट का पीरियड कितने पीरियड तक बेनिफिट मिलेगा ये भी कोई बता नहीं सकता है। लेकिन प्रीपेड का आपको पीरियड और अमाउंट दोनों भी पता है,
तो अब तुम बताओ मैं क्या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस को प्रीपेड एक्सपेंस बोलूं? दोनों में जमीन आसमान। और बताओ। हाँ बराबर है, आ जाओ ध्यान से सुनना। एक बच्ची ने बोला कि सर हमने पहले कहीं तो पढ़ा था एडवर्टीजमेंट चार्जेस पेड फॉर फोर इयर्स, आप खुद ही बता रहे हो कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा, एग्जैक्ट फोर। अब ये बोलो ना इसको प्रीपेड, समझ में आया? चलो और थोड़ा सा डीप में जाते हो इसके। टू टीवी प्रोग्राम वालों को दिया है समझ, कॉन्ट्रैक्ट किया उनके 4 साल, कि आपने 4 साल के लिए एक साथ दे दिए 4 करोड़ रुपए। अब आपको एग्जैक्ट मालूम है 4 करोड़ का बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा, 4 साल तक, 1 2 3 4 0। आज आपने 4 करोड़ दे दिए, 1 2 3 4, 4 करोड़ दे दिए। बोलो पहले साल कितने का बेनिफिट, 1 करोड़ का। ये बचे हुए आप बोलो ना प्रीपेड है, यस और नो? क्योंकि आपको अमाउंट भी पता है एग्जैक्ट वो टीवी प्रोग्राम में, उसकी वजह से सेल कितना होगा भले वो मालूम नहीं है, बट आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। कटरीना ऐसा बोल सकती है क्या कभी भी मेरे वजह से बेनिफिट आपको एग्जैक्ट 10 साल का ही मिलने वाला है? वो सी भी ये बोलती है मैं नहा रही हूँ, वीडियो निकाल रहे हो, वीडियो तुम्हारे पास आ गया, इसका बेनिफिट कल मिले नहीं मिले मुझे कोई लेन देन नहीं है। कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। हाँ ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, ये यहाँ पे आपने उनको एडवांस में पेमेंट किया है, यहाँ पे आपने उनको एडवांस में पेमेंट किया है। जब मैं कटरीना को 10 करोड़ रुपए दे रहा था तो वहां पे ऐसी कोई कंडीशन थी क्या कि 10 करोड़ तक, 10 साल तक मुझे एग्जैक्ट बेनिफिट मिलेगा या 3 साल तक? लेकिन अभी अभी इन्होंने एग्जाम्पल में क्या बोला कि एग्जैक्ट 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा। तो आप बचे हुए प्रीपेड बोल के माइनस करोगे और आउटर कॉलम में आप कितना दिखाते थे, करंट ईयर का। फिर अगले साल में वापस आप प्रीपेड माइनस करते थे, आउटर कॉलम में दिखाते थे करंट ईयर का। जो बच्चे आउटर कॉलम इनर कॉलम माइनस प्लस नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, फाइनल अकाउंट में समझेगा। क्लियर? पक्का क्लियर हुआ? 100%। ये देखो अभी ध्यान से सुनना, ये चीज आप लिख लो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ये भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ऐसी डायग्राम बना लो मस्त भाई की। 10 करोड़ ये भी एडवर्टीजमेंट, बेनिफिट कितने पीरियड तक मिलेगा, बेनिफिट का ना मुझे अमाउंट मालूम है और ना ही मुझे पीरियड मालूम है, दोनों भी देखो ये साइन अप्रोक्सीमेट का है, अंदाज अंदाज दोनों भी अपने को बेनिफिट कैसे मिलेगा, अंदाज अंदाज। अगर एग्जैक्ट पता रहता तो ये डेफर्ड रेवेन्यू नहीं रहता, फिर ये प्रीपेड बन जाता। जो भी चीज आप देख रहे हो एज इट इज आपकी बुक में उतार दो, बस नहीं तो ऐसा लिखो साइड में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस आर बेसिक रेवेन्यू एक्सपेंस वुज बेनिफिट पर डेफर्ड फ्यूचर, वुज बेनिफिट्स वर डेफर्ड इन फ्यूचर पीरियड। हेलो हेलो, उस बेनिफिट्स वर डिफर्ड इन फ्यूचर पीरियड। एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऑपरेटिव एक्सपेंस। से आपने हर बार हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को, ये एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए इस कॉन्सेप्ट को समझना, जल्दी समझ।
मुन्ना, डायग्राम बनाने में मजा आएगा। बचपन में ड्राइंग सब्जेक्ट सबसे बढ़िया पीरियड वही लगता था ना, ड्राइंग का पीरियड ही अच्छा लगता था। तो ड्राइंग वाला सब्जेक्ट वो जो हो रहे थे ना पीरियड, 1 घंटा आखिरी का रहता था, जनरल क्लास का आखिरी का पीरियड वही रहता था 40 मिनट। हाँ क्या बोले? नहीं कहा धीरे धीरे। आओ ना यार, कुछ भी बोल देते थे पहले हमको, एक एक चीज निकालने बोलते थे, सूरज चांद तारे बगे टेबल पहाड़ निकालो नदी निकालो, और बाद में बोलते थे अब सब चीजें जोड़ दो एक साथ, फुल एक घर बनाओ, पहाड़ बनाओ, नदी, सूरज, पहाड़ के सामने नल, बकेट, एक आदमी नहा रहा है, क्या बोलते, मजा था ना। बल नहीं आ कभी, ओके दिखा सभी ने। नेक्स्ट बता बेटा कौन सा था। नंबर क्या है उसका? 16। ध्यान से सुनना सब लोग, डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट बोला तो मेरे दिमाग में दो टाइप के डिस्काउंट, एक तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया, क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा? डिस्काउंट कौन देता है रे बेटा, बायर या सेलर? डिस्काउंट कौन देता है? सेलर, जो माल बेच रहा है वो डिस्काउंट देता है अगर देना है तो, यस और नो? और डिस्काउंट किसको मिलता है? बायर को, परचेसर को, यस और नो? सो डिस्काउंट बांट रहे हैं मतलब ये आप लोगों के लिए क्या है? एक्सपेंस। डिस्काउंट मिल रहे हैं ना आप लोगों के लिए कम, और गेन, जो बोलना है बोल दो। डिस्काउंट बांट रहा हूँ मेरे लिए खर्चा, डिस्काउंट मिल रहा है ये मेरे लिए इनकम, यस और नो? प्यार से डिस्काउंट को हम लोग कभी कभी रिबेट या अलाउंस भी बोल देते, यस और नो? डिस्काउंट कौन अलाउ करता है? डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर, डिस्काउंट रिसीव्ड बाय बायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, यस और नो? अकाउंटिंग अभी तक हमने किसी की नहीं देखी, अकाउंटिंग देखी बाद में, अभी तो हम लोग बेसिक टर्म्स देख रहे हैं। दिखा सभी ने? अगला टर्म बताओ बेटा। देखा, बढ़ो आगे। हाँ बोलो मैडम। प्रीपेड एक्सपेंस अभी देखा था थोड़ी देर पहले। बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं मुन्ना, ध्यान से सुनना। एक्सपेंसेस बोलो, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, और कहना इसे एक्सपेंसेस पेड बिफोर ड्यू डेट, जब देना था उससे पहले दे दिया, जो उसकी ड्यू डेट थी उससे पहले दे दिया, एडवांस में दे दिया, तो उन्हीं सब खर्चों को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। या उसी का एक और नाम क्या है मालूम है क्या? एडवांस एक्सपेंस। एडवांस एक्सपेंस का नेचर क्या है मालूम है? क्या बात कर रहे हो? हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस इज योर असेट, एग्जाम्पल जैन फेब मार्च,
मैंने जनवरी मंथ में जैन का रेंट तो दिया ही दिया, फेब का भी दे दिया, मार्च का भी दे दिया, तो टोटल रेंट पेड हुआ 15,000। बताओ इस 15,000 में एक्सपेंस कितना हुआ? 5,000। कौन से मंथ का? जनवरी मंथ का। एंड प्रीपेड एक्सपेंस कितना हुआ? और मार्च का कितना? 10,000। यस और नो? फेबर मार्च का कितना हुआ? 10,000 प्रीपेड। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, मैंने आज ही फरवरी और मार्च का पैसा दे दिया, 5 और 5 10,000। अब इस 10,000 का बेनिफिट जो मैंने फरवरी और मार्च का पे किया, मैंने मेरे लैंडलॉर्ड को भाड़ा दे दिया एडवांस में 2 महीने का, बताओ उस 10,000 का बेनिफिट मुझे कब तक मिलेगा? अगले 2 महीने तक। बिल खत्म ना। ऐसा पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिल रहा है, उस पेमेंट या आउटफ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट। बोला था ना, पेमेंट हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। यस और नो? बेनिफिट फ्यूचर में भी, एसेट बेनिफिट इमीडिएट। जनवरी का रेंट, जनवरी में बेनिफिट। एक्सपेंस फेब और मार्च का एसेट, इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस को एसेट बोलते हैं। यस और नो? क्यों? क्योंकि बेनिफिट कब मिल रहा है उसका? फ्यूचर में। और वो पेमेंट जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है, उस पेमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? एसेट। फर्नीचर खरीदा, 10,000 रुपये दिए, बोलो इस 10,000 का बेनिफिट हमें कब तक मिलेगा? फ्यूचर में, जब तक ये फर्नीचर है। खेल खत्म। फर्नीचर एसेट। समझ में आया सभी को? पक्की बात? ये लिखा क्या सभी ने? स्क्रोल करूं? 18। यो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस बताओ क्या होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? अच्छा ध्यान से सुन, बताता हूँ। 2 सेकेंड के पेन वगैरह पीछे रख दो, फिर देखो। क्या आप सोच रहे हो कि आपको बिजनेस शुरू करना, जो भी आपका ड्रीम बिजनेस है वो स्टार्ट करना, उसके लिए दुकान की ज़रूरत है, बरोबर है? तो आपने दुकान वगैरह ध्यान से, अब आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे, आपको आपके दोस्त ने बताया दुकान लेने से शुरू नहीं, तुझे उसकी कॉरपोरेशन में जाके परमिशन लानी, एमसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, मुंबई दुकानें अधिनियम, बहुत सारी दुकान में टंगाया हुआ रहता है ना एक सर्टिफिकेट फ्रेम बना करके, खड़ा हुआ एकदम पिछले कई सालों से, ऐसा दिख रहा है, खराब हो जाता है काफी बार, उसको कोई चुराता भी नहीं है, इसलिए वैसे ही पड़ा रहता है वो दुकान में। यस और नो? मुंबई दुकानें अधिनियम एक्ट वगैरह चाहते हैं, सर्टिफिकेट रहता है, कंपनी है, किसी कंपनी में गए होगे तो कंपनी का इनकॉरपोरेशन सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन। और नो? आपको क्या लगता है ये सर्टिफिकेट फ्री में मिलते होंगे या पैसे देने पड़ते होंगे इसके लिए? लीगल चार्जेस है ना इसके? तो देखो, तो बिजनेस शुरू करने से पहले आपको कुछ खर्चे करने पड़ते, एक्सपेंसेस थर्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस स्टार्ट होने के पहले आपको कुछ खर्चे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपको सरकार को स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी फॉर कंपनी कॉरपोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी पैदा करना, कंपनी का वाढ़ दिवस है, बर्थडे। और बताओ, शॉप एक्ट, शॉप एक्ट लाइसेंस, लाइसेंस लेना पड़ता है काफी बार धंधा करने के पहले। ये धंधा करने के पहले लेना है कि लाइसेंस की, धंधा करना शुरू करने के बाद कभी तो भी ले लेंगे, सब पहले करना पड़ता है। विदाउट लाइसेंस आप बिजनेस कर सकते हो क्या? विदाउट स्टैम्प ड्यूटी फीस पे किए कंपनी का अगर कैसे, तो कंपनी चालू होगी क्या? विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी चालू होगी क्या? नो। तो काफी सारे ऐसे लीगल खर्चे हैं जो बिजनेस शुरू करने के पहले करते,
बिजनेस शुरू करने के पहले, आज से हमारा बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, आज दोपहर में 4 बजे, तो 4 के पहले पूजा होम हवन पंडित वंडित बुलवा के करोगे कि नहीं? ये पूजा वूजा कब करवाते हैं, बिजनेस शुरू होने के बाद या बिजनेस के पहले ही, या जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उसके पहले ही करेंगे ना? तो कुछ और होगा, पूजा वूजा एक्सपेंस होगा, पूजा एक्सपेंस, यस और नो? तो ये सारे खर्चे कौन से खर्चे रे बेटा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, बिजनेस शुरू करने के पहले। बिजनेस शुरू करने के बाद पूजा करवाई वो प्रिलिमिनरी नहीं रहेगा, फिर उसको रेवेन्यू एक्सपेंस बोल देना आप। बोलो बेटा। बिल्कुल, ये किसके लिए चल रहा है सब? बिजनेस के लिए। पूजा एक्सपेंसेस मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, पूजा क्यों करवाते हैं? बिजनेस से नेगेटिविटी चली जाए, यस और नो? पूजा एक्सपेंसेस जाएंगे बुक्स में, बिजनेस के लिए खर्चा कर रहे हैं हम लोग, यस और नो? बोलो बोलो बेटा, और किसी बच्चों कोई डाउट है? पूजा एक्सपेंस अगर हिंदू होगा तो, कोई और होगा कास्ट का तो वो उसकी जो भी रिचुअल्स करेगा उसके एक्सपेंसेस, यस और नो? मिठाई बाटी इस दिन पूजा करवाने के बाद, मिठाई एक्सपेंस। अगर बिजनेस स्टार्ट होने के पहले जो भी आप खर्चे कर रहे हो वो सब आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, ड्यूटी कल चार्जेस पूजा होम हवन पंडित का खर्चा, यस और नो? ये बिजनेस स्टार्ट होने के पहले के खर्चे है, प्रिलिमिनरी। हाँ, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद दिवाली की पूजा करवा रहे वो प्रिलिमिनरी नहीं है। मैंने क्या बोला? बिजनेस शुरू होने के पहले। क्लियर है ये बात? समझ में है सभी को? लिख लो, सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। अब ये लिख लिया, लिखना शुरू करो आप। लिखने के बाद एक बहुत ही भारी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसी से थोड़ी राइट साइड में जगह रहने देना, थोड़ी राइट साइड में जगह रखना। No, वो प्रिलिमिनरी, वो प्री ऑपरेटिव रहेंगे। बिजनेस शुरू करने के बाद और बिजनेस को रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी में लाने के पहले के खर्च, वो प्री ऑपरेटिव है ना? वो भी लिखा हुआ है ना शायद हमने, प्री ऑपरेटिव है टर्म अगली। लिखा? अभी ध्यान से सुनना। चलो बच्चों, अब मुझे बताओ तो जरा, इन खर्चों का बेनिफिट कब तक मिलेगा मुझे? लाइफ टाइम। स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट जब तक वो बिजनेस है तब तक, लीगल चार्जेस का बेनिफिट जब तक वो बिजनेस है तब तक, पूजा होम हवन का क्या उस बिजनेस में हमेशा के लिए चली जाएगी तो बेनिफिट मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा पता है क्या? नो। कितने परेड तक मिलेगा ये पता है क्या? नो। आपने सबने क्या वर्ड यूज किया? जब तक बिजनेस है तब तक। और मेरा सवाल, बिजनेस कब तक है? गोइंग कंसर्न, नहीं मालूम। तो बेनिफिट कब तक मिलेगा? नहीं मालूम। कितने अमाउंट का मिलेगा? नहीं मालूम। तो क्या नाइस से दैट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ, बोलो, वेरी गुड। बात समझ? सिंस, क्यों क्यों? सिंस अमाउंट ऑफ बेनिफिट एंड स्प्रेड ऑफ बेनिफिट नॉट होम। यार लिखो, इसको बोलते हैं डिटेल्ड डिस्कशन। अब आप हमेशा लाइफ टाइम ध्यान रखें, अब आपके अगर ये सारे फंडास क्लियर है ना तो आपको कभी भी जर्नल एंट्री में तकलीफ आएगी नहीं। फिनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा आइटम कहाँ दिखाना, जर्नल एंट्री में क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी।
ओके, ध्यान से सुन। अगला बताओ बेटा। देखो, प्री ऑपरेटिव देखो, बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस शुरू होते ही एकदम से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देता है क्या? बिजनेस शुरू होने के बाद थोड़े 8-15 दिन, महीने 2 महीने लगते हैं ना रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी में आने के लिए, सर नो? और मान लो बिजनेस शुरू किया इस दिन और प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया इस दिन से, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, आपको समझाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करती पहले दिन से ऐसे कस्टमर लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे क्या? ओ वाह, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, आपने बिजनेस शुरू किया, लाओ माल दे दो। 1-2 महीने, 15 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 2 दिन, 1 दिन, 1 महीना, 3 महीना लगेगा ना आपको समझाने के लिए कि मैंने इतना ब्रेड लिया। बिजनेस तो शुरू कर दिया था लेकिन बिजनेस रेवेन्यू जनरेटिंग और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में आते आते लग गए 3 महीने। तो बिजनेस शुरू करने के बाद और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में आने के पहले दौरान जो भी आप एक्सपेंसेस इनकर करोगे, एक्सपेंस इनकर्ड बिटवीन द ब्रेड क्यू टू मेक बिजनेस प्रॉफिटेबल, सब क्या प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, ये कौन से एक्सपेंस रहेगा आपके? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, शुरू होने के पहले के, बिजनेस शुरू होने के बाद और बिजनेस को रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी में लाने के पहले के प्री ऑपरेटिव। समझ में आया क्या? देखो जरा, बिजनेस शुरू करने के पहले का खर्चा प्रीलिमिनरी, बिजनेस शुरू करने के बाद का लेकिन रेवेन्यू जनरेटिंग में लाने के पहले का प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव के एग्जाम्पल, बिजनेस शुरू हो गया आज फर्स्ट डे, बिजनेस का मैंने चाय का बिजनेस स्टार्ट किया फर्स्ट डे, मस्त बलून वलून लगा दिया, ऐसा कमान वमान बना लिया, नई दुकानें, चाय समोसा और बोर्ड लगा दिया, आज बिजनेस का पहला दिन है, आओ सब लोग फ्री में चाय पी के, फ्री में समोसा लगी रहती है ना, कभी देखा होगा ना अपने गली नुक्कड़ पे कोई फर्स्ट डे किसी शॉप का इनॉग्रेशन है ना? तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप? इनॉग्रेशन एक्सपेंस या फिर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। बट ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर वाला नहीं, इन स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के शुरुआती दौर में जो है फ्री में बांटो, फ्री में चाय पिलाओ, इनॉग्रेशन करो, कस्टमर को फ्री में दो, ये सब कौन से खर्चे हैं? प्री ऑपरेटिव। तो वो फ्री में क्यों कर रहे हैं? आप लोग जवई हो क्या उनके? नो, उसको आगे बिजनेस चाहिए, को ये चाहिए कि लोगों को यहाँ पे आने की आदत हो जाए। पहले 3 दिन फ्री में चाय पिलाएगा, चौथे दिन आप जाओगे पीने के लिए तो फिर वो पैसे मांगेगा। और नो दादा, वो फ्री वाला दौर खत्म। क्लियर? प्रीलिमिनरी और प्री ऑपरेटिव के बीच का फर्क समझ में आया? बिजनेस शुरू करने के पहले प्रीलिमिनरी, शुरू करने के बाद लेकिन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी में लाने के पहले प्री ऑपरेटिव। जो बेटा सारी चीज सब्जेक्ट में 90+ के बारे में ही सोचना है, नीचे एक नंबर भी गवारा नहीं है, उसी हिसाब से पढ़ना है, उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूं। और आप लोग घर पे रिवाइज करोगे और जो भी डाउट आया आप है ना, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। जैसे आप लोग आज यहां से घर जा रहे हो तो आपने बस का टिकट लिया, तो वो टिकट क्या एंट्री रहेगी? जब एक बार हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट कर देंगे ना, तो फिर आपने वो भी पूछना है कि सर ये मैंने टिकट तो निकाल लिया, उसको पैसे दिए क्या रहेगी? तो आज तो मैं बस में गया था लेकिन टिकट वाला वो पैसे लेना भूल गया मुझसे, अब तो मेरा फायदा हो गया, इसकी क्या एंट्री रहेगी? टिकट निकाला नहीं, आप फ्री में चले गए ना घर पे, यस और नो? सर पापा से पॉकेट मनी मिली, मैंने यहाँ खर्चे कर दिए, इसकी क्या एंट्री रही? जहाँ जहाँ पैसे का लेन देन आ गया वहाँ वहाँ अकाउंटिंग आ गया। तो जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचोगे उतना ही आप प्रैक्टिकल लाइफ से रूबरू होते रहोगे, यस और नो? लर्न नहीं करना कोई भी चीज़, अब लर्न करने के दिन गए। अगर आपको लर्न करवा के ही सब्जेक्ट करवाना रहता तो ये सब्जेक्ट ईमानदारी से
अराउंड 25 से 26 दिन का सब्जेक्ट है, डन करवा के करवाना है, और आप सभी को 60 प्लस मार्क्स भी आ जाएंगे, ये भी गारंटी है। हर चीज़ का फॉर्मेट, एंट्रीज पता है, एडजस्टमेंट करवा के दे दिया, 10 बार आपको लर्न करने बोल दिया, 10 टेस्ट सॉल्व करवा दिया, ख़त्म। वैसे नहीं करना है, क्योंकि आप आगे क्या करोगे, आगे हर जगह लर्न किया हुआ काम करने, अभी आप अकाउंटिंग फील्ड में जाओगे, लर्न किया हुआ कुछ भी काम करनी, आपको हर चीज़ समझ में आनी। डन, चलो आगे। लिखा सभी ने? अगला अगला बताओ बेटा। मैडम बोलो 20 रेट डिस्काउंट, उसके बाद क्या है? डिस्काउंट चलो देखो, ट्रेड डिस्काउंट नाम में ही मीनिंग है। कोई मुझे बोलेगा ट्रेड और कैश डिस्काउंट में क्या फ़र्क है कि दोनों सेम है? नहीं नहीं सर, सेम तो नहीं है, वरना आप ऐसे अलग अलग नहीं लिख। बोलो ट्रेड और कैश डिस्काउंट बोलो मैडम। ओके, एक बच्चे ने जवाब दिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं लिख। हाँ ओके, उधारी है तो ट्रेड डिस्काउंट, तब ट्रेड उधारी वाले ट्रांजेक्शन, कैश डिस्काउंट नकदी वाले ट्रांजेक्शन। ओके, और कोई? ओके, काफी काफी करीब आंसर। और ओके, जल्दी दे दिया तो, और कोई? ओह हाँ हाँ ओके ओके, काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी सारे जवाब दिए। चलो अब मैं सारी इसमें रहूँ, और पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं कर रहा हूँ, बगैर पेन उठाए आपको वैसे ही कॉन्सेप्ट 10 सेकेंड में समझ में आएगा। 10 सेकेंड आप जो भी आज तक सोच रहे थे वो सब दिमाग से निकाल दो। आपने जो भी जवाब दिए 50% से 50% टोटली गलत है बचा हुआ। ध्यान से सुनना, ट्रेड डिस्काउंट बढ़ाने, क्या बोला मैंने? ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड बढ़ाने के लिए देते हैं, कैश डिस्काउंट कैश जल्दी रिकवर करने के लिए देते हैं। ये आपने बोला, ट्रेड के बारे में कोई नहीं बोला। वापस बोलता हूँ, ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं? ट्रेड बढ़ाने के लिए, बरोबर है? ट्रेड बढ़ाना, अरे सेल बढ़ाना, सेल बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट। अब आपका सवाल, सर कौन सा सेल, नगदी सेल के उधारी सेल? दोनों। आपने क्या बोला? सिर्फ उधारी के ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट देता है, नगद रहो चाहे उधार रहो, सेल सेल होता है, कैश सेल, क्रेडिट सेल, कोई भी सेल हो, सेल बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट देते कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। नाम ही तो मीनिंग है, ट्रेड बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया वो कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट। और नाम में मीनिंग है, कैश डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है? सामने वाला बहुत दिनों से कैश पे ही नहीं कर रहा है, उससे जल्दी कैश रिकवर करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं वो कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। अभी ध्यान से सुन, आप दुकान पे जब भी जाते हो आपको दिखता है ना, रेनी सीजन सेल, ये सेल, दिवाली सेल, धमाका सेल, पटाखा सेल, ये सेल, वो सेल, वो सब रेट डिस्काउंट होता है सेल बढ़ाने के लिए। पुराना माल काफ़ी समय से पड़ा है शॉप में, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, 100 रुपये का माल था, उसकी MRP कितनी थी? प्राइस 100 रुपये, लेके जाओ ये माल, आने वाले 4 दिनों में जो कोई भी लेके जाएगा उसको 40% डिस्काउंट मिलेगा। रेट डिस्काउंट कितना? 40%, यानी इसका प्राइस कितना हो जाएगा? सुनो, नकदी में लेके जाओ चलेगा, उधारी में लेके जाओ चलेगा, देखो नकदी में लेके जाओ चलेगा, उधारी में लेके जाओ चलेगा, क्रेडिट सेल भी रहा तो भी और कैश सेल रहा तो भी, बस माल लेके जाओ, पैसे बाद में देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस माल लेके जा भाई। तू बहुत दिनों से पढ़ाई कोई लेके नहीं जा रहा है,
कोई दुकान वाले देखे होंगे ना अपने, पुराना माल होता है, चिपकाना होता है कस्टमर को, कस्टमर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, अरे भाई तू माल लेके जा, बाद में देना पैसे। कौन सा डिस्काउंट दे रहा है वो? ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो माल का ट्रेड ही नहीं था, पुराने काफ़ी समय से पड़ा था ऐसे, बरोबर है? तो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, कैसे भी लेके जा भाई। इन कैश डिस्काउंट क्यों देते? फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ। कभी कभी दुकान में आपने देखा होगा ना, ये माल है जिसकी प्राइस कितनी है? 100 रुपये। अगर आपने बोला भैया उधारी में दो, उधारी में दिया 100 रुपये में दूंगा, दुकानदार बोलता भैया अभी के अभी पैसा देगा तो तुझे 90 में मिल जाएगा। उधारी में लेके जा रहा है 100 में दूंगा, नगदी में लेके जा रहा है इमीडिएट, पैसा दे रहा है तो 90 में। तो यहाँ पे फॉर इमीडिएट रिकवरी कैश डिस्काउंट कितने का दिया आपने? 10 का। अकाउंटिंग मैंने एक की भी नहीं बताई अभी तक, देखेंगे ना की पड़ी है। मीनिंग समझ में आया क्या? ऑब्जेक्टिव समझ में आया दोनों का? तो ट्रेड डिस्काउंट के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज ट्रेड। कैश डिस्काउंट के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज कैश, और फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ कैश। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज ट्रेड और सेल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ कैश। एक कस्टमर है जिसे 5,000 रुपये लेना है, 3 महीने हो गए पैसे नहीं दे रहा, रोज कॉल कर रहा हूँ उसको, तो आज बोला भाई आज शाम तक अगर पैसे दे देगा ना तू, 5,000 रुपये तुझसे लेने हैं, आज शाम तक अगर तू पैसे दे देगा तो 4,500 में सेटलमेंट, 500 का डिस्काउंट। तुरंत दौड़ते दौड़ते आया, पैसे दे दिए, क्योंकि उससे लेने कितने थे? 5,000। उसको क्या बोला? आज शाम तक तू सेटल करेगा तो तुझे 500 का डिस्काउंट मिलेगा, वरना कल लाके देगा तो पूरे 5,000 लूंगा। तो देखो पैसा जल्दी रिकवर करने के लिए मैंने उसको कौन सा डिस्काउंट दिया? 500 कैश डिस्काउंट, वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। सामने वाले को कैश ट्रांजेक्शन के लिए उपसा रहा हूँ, सामने वाले को कैश ट्रांजेक्शन के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, किसकी मदद से? कैश डिस्काउंट की मदद से। सामने वाले को बस माल खरीदने बोल रहा हूँ, बस माल लेके जा, ऐसा है नहीं है चलेगा, बाद में देना। कौन सा डिस्काउंट दे रहा हूँ? ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? पक्की बात बच्चों? कोई डाउट है इसमें? अकाउंटिंग के ऊपर मत जाना अभी, वो अकाउंटिंग आपने पढ़ा होगा सर, ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स में एंट्री नहीं आता है, कैश डिस्काउंट का आता है, सब बताऊंगा क्यों नहीं आता है, क्यों आता है, सब देखेंगे। क्योंकि मैंने अभी तक अब डेबिट क्रेडिट ही नहीं बताया आपको, डेबिट क्रेडिट क्या है ये नहीं मालूम आपको अभी तक, तो हम लोग वो देखेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। डन, ऑल सेट, ओके गाइस। इसके बाद क्या है? और उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक बाय।